हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़े मामले में पंचकुला पुलिस की एसआईटी टीम ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में चल रहे फिजिकल टेस्ट सेंटर में इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम राहुल, कुलदीप, नवीन और विकास हैं, जो हरियाणा के दूसरे जिलों से हैं। ये चारों असली कैंडिडेट हैं। इनकी जगह पुलिस भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में फर्जी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास कराई गई। एसआईटी के मुताबिक चारों आरोपियों ने माना कि फर्जीवाड़े की पूरी प्लानिंग की गई। एसआईटी टीम अब सभी कैंडिडेट से फर्जीवाड़े में शामिल उनके जानकारों की लिस्ट तैयार करवा रही है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। आज इन पकड़े गए चारों आरोपियों को पुलिस की जिला अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। सर, इन्होंने एक्चुअली एचएससी का जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, हरियाणा पुलिस का, उसमें इन्होंने एग्जाम, किसी और ने इनका एग्जाम दिया था, रिटर्न एग्जाम, और ये उसके बाद फिजिकल देने आए थे, जिसमें इनके जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं किए, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये भी बात निकल के आई भी काफी मोटा पैसा लिया कर रहे थे। देखिए, अभी तक उस चीज़ का हमें कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जब होगी, अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो जब होगा तब बताएंगे। तो अभी तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी इस मामले में? अभी तक इस केस में तो 4 हुई है, लेकिन और भी 1-2 केस है जिसमें हुई है गिरफ्तारियाँ, वो मेरे केस नहीं है। और गिरफ्तारी होनी बाकी है उसमें जी, कह सकते हैं कोर्ट में पेश किया जाएगा रिमांड के लिए। तो पैसों का कोई जिक्र भी नहीं आया मैम, कितने पैसे? देखिए, पैसों का जिक्र जरूर है, लेकिन जब तक हमें प्रूफ नहीं मिल जाते हम नहीं मानते इस चीज को। तो अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन होगी तभी हम आपको बता पाएंगे। दरअसल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान फर्जी कैंडिडेट मामले में इन चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ में पता लगा कि पैसों का लेन देन भी हुआ है, लेकिन कितने पैसे लिए गए हैं अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस फर्जीवाड़े में कौन कौन लोग शामिल हैं उसका भी खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।